बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। सिंध के हाकम वडेरे और जागीरदार हैं। अगर कभी कोई कमज़ोर और गरीब आदमी उनके सामने खड़ा हो जाए तो मौत से कम सज़ा नहीं देते, क्योंकि अदलिया और पुलिस उनकी गुलाम, ब्यूरोक्रेसी उनकी फरमा बरदार और हुकूमत उनकी अपनी होती है। अगर कभी कोई सर फिरा सदियों की गुलामी को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम नाज़िम जोखियो जैसा होता है। नाज़िम जोखियो कराची के नवाही इलाके मलीर का एक आम बशिंदा था। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानता था। उसने गैर मुल्की बशिंदों को मासूम परिंदों का शिकार करते हुए देखा तो उसने इस गैर कानूनी शिकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। नाज़िम जोखियो की बदकिस्मती समझिए और हम पाकिस्तानियों की बेबसी कि वो गैर मुल्की बशिंदे सिंध के एक वडेरे जाम अवैस के मेहमान थे। जाम अवैस ने नाज़िम जोखियो को वीडियो वायरल करने की वही सजा दी जो एक हाकम के शयाने शान थी, जो सिंध के वडेरों और जागीरदारों की रवायत थी। जाम अवैस ने उसी सदियों पुरानी रवायत को दोहराया, यानी नाज़िम जोखियो को बदतरीन तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया। जोखियो के वरसा ने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक की, सोशल मीडिया पर यह खबर पूरे मुल्क में फैल गई। इस्लामाबाद के महल्लात में जुम्बश हुई, कानून हरकत में आया। पीपल्स पार्टी के वज़रा भी शर्मिंदगी के आलम में वरसा के पास पहुँचे और कातिल को गिरफ्तार करने की तसल्लियाँ देने लगे। जाम अवैस ने उसे अपने डेरे पर बुलाकर तशद्दुद के बाद कत्ल किया था। हकायक शवाहिद हर तरह से ये साबित कर रहे थे। खुद नाज़िम जोखियो ने मरने से पहले सोशल मीडिया पे एक बयान में कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जाम अवैस और उनके भाई होंगे। हर तरफ शोरोगुल बपा हुआ तो मजबूरी के आलम में सिंध हुकूमत ने कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। जाम अवैस बड़े शहाना अंदाज में थाने में आता है, जिसे एहतराम और इज्जत से कुर्सी पर बैठाया जाता है। कोई हथकड़ी नहीं और ना ही मुल्ज़माना सलूक, बल्कि रोब व दबदबा जो पूरे थाने और पुलिस अहलकारों पे तारी था वो वादे तौर पे नज़र आ रहा था। जिस रोज़ जाम अवैस ने प्रोटोकॉल के साथ गिरफ्तारी थी, उसी रोज़ सोशल मीडिया पे एक हथकड़ी में जकड़े हुए बच्चे की वीडियो वायरल होती है, जिसका जुर्म मासूम माना था, जिसने बिस्कुट चोरी किए थे। ये हमारी रियासत का वो तादाद दो रंगी और मुनाफ़त पर मबनी चेहरा था जो पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी तरफ वडेरे कत्ल करते हैं, जुल्म व सितम की स्याह दास्तानें रकम करते हैं, ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं, हारियों किसानों को ग़ुलाम बनाकर रखते हैं, उनकी इज्जत अफजाई की जाती है, उनको एहतराम मिलता है। प्रोटोकॉल से वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए अदालत में जाते हैं, उनके चेले चमचे उन पे फूल फेंकते हैं। जीत पैसे और ताकत की होती है। यहाँ नाज़िम जोखियो जैसे कितने ही मजलूम इन वडेरों के निजी टॉर्चर सिलों में सिसक सिसक कर ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे अंधे कानून में उबाल आता है, मीडिया पे किसी जुल्म का शोर मचता है तो वडेरा विक्ट्री का निशान बनाकर थाने में आता है, एक दो चक्कर फाते की तरह अदालत में जाता है। मजलूम के वरसा पे हर तरफ से प्रेशर आता है, धमकियाँ मिलती हैं, धौंस जबर और लालच के हीले बहानों से वरसा को खामोश कर दिया जाता है। मेरे वतन में शायद कानून अंधा ही रहेगा, भले कितने ही नाज़िम जोखियो कत्ल होते रहें, वडेरा पंजाब का हो या सिंध का, बलूचिस्तान का हो या खैबर पख्तूनख्वा का, उनके लिए कानून भीगी बिल्ली और गरीब के लिए भूखा शेर। मीडिया पे हलचल पैदा करने वाला ये कत्ल भी चंद दिनों के बाद पुराना हो जाएगा, वही नारा ढंके की चोट पे बजेगा, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। ये है अंधेर नगरी चौपट राज। अगर हमने मसावात का बीज बोना है, निज़ामे अदल को इस्लामी कदरों से हमकनार करना है, तो हमें भुट्टो के इस खुद साख्ता बुत को तोड़ना होगा, वडेरा शाही को ख़त्म करना होगा, तब ही हम हकीकी मानों में ज़िंदा होंगे। अभी तक तो हम शायद मुर्दा हालत में जी रहे हैं। हजूरे वाला, ये थी आज की सदाए पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।